विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पुराने बस अड्डे के समीप एक मोड़ पर एक कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे जा गिरी। कार लगभग 150 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि अन्य को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पुराने बस अड्डे के समीप एक मोड़ पर एक कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से नीचे जा गिरी। कार लगभग 150 फीट नीचे जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे, जबकि एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि अन्य घायलों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि जहां से कार नीचे गिरी है, वहां पर बरसात के कारण पिछले वर्ष सड़क टूट गई थी और वहां पर डंगा लगना था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को पहाड़ी से उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। मैं पवन कुमार जी, गांव बड़ो से जी। मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे गाड़ी का, जो कि स्थानीय निवासी कौशल जी, उनका बड़े वाला लड़का जी, और यहाँ से उनकी गाड़ी नीचे तकरीबन कोई 100 या 150 फुट के नीचे चली गई। और मैंने जब वहाँ नीचे जाके देखा, मैं और मेरे साथ 2 लड़के थे, हम तीनों ने उनकी हेल्प की, तीनों को मतलब ऊपर पहुंचाया। पहले 2 बच्चे थे, बच्चों को ऊपर पहुंचाया, फिर उनको बाइक पे हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद हमने पूजा जी को उधर से ले के ऊपर लेके आए, फिर उसके बाद जो दूसरे थे उनकी घरवाली, उनको ऊपर पहुंचाया जी, हॉस्पिटल में पहुंचाया।